नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर के जीरो माइल स्थित एक विवाह भवन में रविवार को जिला जदयू की ओर से अनुमंडल स्तरीय भीम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संवाद कार्यक्रम में सांसद अजय मंडल के अलावा कई विधायक और विधान पार्षद समेत जदयू प्रदेश स्तर के नेता भी शामिल हुए। इस दौरान बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी की मौजूदगी और जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह की अध्यक्षता में जदयू के वरिष्ठ नेताओं ने अनुमंडल स्तर का भीम संवाद में अपनी बात रखी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लागू किए गए कानून और योजनाओं को जनता के हित में और संविधान के अनुरूप बताया गया। संवाद कार्यक्रम का संचालन अनुमंडल प्रभारी संजय राम ने किया, जबकि इस दौरान गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज, सुल्तानगंज विधायक ललित नारायण मंडल, राजगीर विधायक कौशल कुमार, बाल श्रमिक आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कांत मिश्रा और प्रमंडल प्रभारी प्रहलाद सरकार समेत पार्टी के कई नेताओं ने भी अपनी बात रखी। इसको लेकर जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान में निहित बातों और कानून को जमीन पर लागू करने का काम किया है, जिसमें महिलाओं को पंचायती राज में दिए गए आरक्षण के अलावा अलग अलग वर्गों को दिया गया आरक्षण शामिल है, जबकि शराबबंदी जैसे बड़े निर्णय को लेकर नीतीश कुमार ने बिहार में लागू किया, जो उनकी कार्यक्षमता के साथ बाबा साहब के प्रति सम्मान और समर्पण को दर्शाता है। जिलाध्यक्ष ने बताया कि 14 अप्रैल को पंचायत स्तर पर भीम चौपाल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नीतीश सरकार द्वारा जनहित में लागू किए गए कानूनों की उपयोगिता के साथ विभिन्न योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुँचाने का कार्य जदयू नेता और कार्यकर्ता करेंगे। इसके अलावा मंत्री समेत कई जदयू नेताओं ने केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। इधर राज्यसभा के पूर्व सांसद कहकशा परवीन, प्रदेश महासचिव विभूति गोस्वामी, पूर्व जिलाध्यक्ष विजय सिंह और पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल समेत कई जदयू नेता और काफी संख्या में पार्टी के पुरुष और महिला कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये है कि जिस तरह से कभी न कभी लोग जो है टीका टिप्पणी करते हैं आरक्षण के खिलाफ में कुछ राजनीतिक दल के लोग, तो बाबा साहब ने कहा है शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो जो तीन मूल मंत्र है उस मूल मंत्र पर हमारा काम चल रहा है। शिक्षित होने के लोगों को प्रेरणा देना, नीतीश कुमार जी की जो योजना है लोगों को शिक्षित करने के लिए, उस योजना का कैसे आप लाभ लें उसके बारे में जानकारी देना, संगठित रहने के लिए और कभी भी आरक्षण पर अगर प्रहार होता है तो संघर्ष करने के लिए भी तैयार रहे, यही उद्देश्य है भीम चौपाल का। सबको का राजनीतिक दल के सभी नेता को अधिकार है ना चुनाव में प्रचार प्रसार करने का। आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अपनी बात को कह रहे हैं जनता के बीच में, कितना जनता एक्सेप्ट करेगी ये तो समय बताएगा ना। क्या लगता है यहाँ सुपड़ा साफ है? भागलपुर के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में विद्वत परिषद की 31वीं बैठक विश्वविद्यालय के मुख्य सभागार में आयोजित हुई, जिसमें BAU के सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य और सभी विभागाध्यक्ष समेत वरीय वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। बैठक में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति और विद्वत परिषद के सभापति ने समीक्षा करते हुए अकादमिक संबंधी विषयों पर विस्तार से चर्चा की, जबकि परिषद के सभी विभागों एवं महाविद्यालयों के पठन पाठन की समीक्षा करते हुए कुलपति ने शिक्षा प्रशिक्षण एवं शोध को आगे बढ़ाने के सुझाव भी शिक्षकों को दिए। इसके अलावा बैठक में BAU के 7वें दीक्षांत समारोह के आयोजन को लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें दीक्षांत समारोह के दौरान विश्वविद्यालय की ओर से 985 छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान करने की बात कही गई। साथ ही कुलपति ने कहा कि छात्रों को उनके उत्कृष्ट अकादमिक रिकॉर्ड के आधार पर गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा, जबकि दीक्षांत समारोह में महामहिम राज्यपाल, बिहार सरकार के कृषि मंत्री और ICAR के DDG हॉर्टिकल्चर समेत कई गणमान्य अतिथि शामिल होंगे। रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया बिहार चैप्टर की ओर से 2 दिवसीय एनुअल कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन रविवार को भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉल में डायबिटीज को लेकर वैज्ञानिक सत्र और वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस दौरान देश के अलग अलग जगहों से पहुंचे विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मधुमेह से बचाव को लेकर इलाज समेत इसके मरीजों की बढ़ती रफ्तार पर रोक लगाने से जुड़े टॉपिक पर चर्चा करते हुए अपने सुझाव भी दिए। वहीं पटना से आए डॉक्टर श्याम किशोर प्रसाद सिंह, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, रांची के डॉक्टर अजय छाबरा, समस्तीपुर के डॉक्टर सुप्रियो मुखर्जी, IGIMS पटना के डॉक्टर वेद प्रकाश, कोलकाता के सुजय
अजय घोष समेत कई डॉक्टरों ने डायबिटीज से जुड़े अलग अलग टॉपिक और तकनीक पर अपने अनुभव साझा किया। कार्यक्रम को डॉक्टर हेमशंकर शर्मा, डॉक्टर डीपी सिंह, डॉक्टर विनय ढांडनिया, डॉक्टर आशुतोष मिश्रा, डॉक्टर अजय सिन्हा और डॉक्टर अंजुम परवेज ने संबोधित करते हुए मधुमेह को एक बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि इसकी चपेट में आने से शरीर के कई अंग पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, इसलिए इससे बचाव के लिए सभी को जागरूक होने की जरूरत है। इस दौरान पटना एम्स के डॉक्टर दिवेंदु भूषण की मौजूदगी में क्विज प्रतियोगिता और फ्री पेपर एंड पोस्टर प्रेजेंटेशन किया गया, जिसमें पीजी मेडिकल के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इसके बाद RSSDI बिहार एनुअल कॉन्फ्रेंस का समापन समारोह आयोजित कर कार्यक्रम में शामिल हुए चिकित्सकों को सम्मानित कर विदाई दी गई। मौके पर डॉक्टर कमरान खान, डॉक्टर अवेद अली, डॉक्टर पीवी मिश्रा, डॉक्टर मनीष कुमार और डॉक्टर आरोही समेत काफी संख्या में विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद रहे। भागलपुर के साहिबगंज कैथेड्रल चर्च में रविवार को सभी पल्ली वासियों के द्वारा खिजूर की डाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बताया जाता है कि गुड फ्राइडे के पूर्व आने वाले रविवार को खिजूर की डाली लेकर सभी पल्ली वासी खिजूर रविवार कार्यक्रम मनाते हैं। इसको लेकर चर्च के मीडिया प्रभारी दिलीप कुमार जॉन ने बताया कि 2000 साल पहले इसराइल में प्रभु यीशु नासरी का स्वागत किया गया था, जिसमें प्रभु यीशु नासरी को राजाओं का राजा माना गया, जिसको लेकर गुड फ्राइडे से पहले आने वाले रविवार को ईसाई समुदाय की ओर से पाम संडे कार्यक्रम को मनाया जाता है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन, हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस सूजागंज नियर इंदारा स्टेशन रोड भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जमगांव में रोड किनारे गड्ढा करने को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि इस विवाद में गांव के ही गुड्डू यादव और उसके अन्य सहयोगियों के द्वारा देवेंद्र यादव की जमकर पिटाई कर दी गई, जिसमें देवेंद्र गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि सुबह के वक्त गुड्डू यादव के मजदूरों द्वारा सड़क किनारे से बालू निकाल कर बेचा जा रहा था, जिसको लेकर देवेंद्र यादव ने विरोध करते हुए कहा कि सड़क के किनारे से अगर बालू निकाल कर बेच दी जाएगी तो सड़क टूट जाएगा। वहीं इसके बाद आक्रोशित होकर गुड्डू यादव और उनके सहयोगियों ने देवेंद्र यादव की जमकर पिटाई कर दी। इधर ग्रामीणों के द्वारा घायल अवस्था में देवेंद्र यादव को इलाज के लिए जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं इसकी जानकारी मिलते ही जगदीशपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। नदी के किनारे रोड काट रहा था। मारवाड़ी महाविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल एवं सुनील कुमार साह के नेतृत्व में स्वयं सेवकों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर श्री प्रसाद यादव ने किया। इस दौरान स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए प्राचार्य ने कहा कि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है और अगर हम सभी स्वच्छता का ख्याल रखकर काम करते हैं तो स्वस्थ रहने की संभावना बढ़ जाती है। प्राचार्य ने महात्मा गांधी को याद करते हुए कहा कि बापू के लिए भी स्वच्छता का बड़ा महत्व था और राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा इस सपने को पूरा होते देख उनकी आत्मा को भी सुकून मिलता होगा। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए उपस्कर खरीदने के साथ संसाधन उपलब्ध कराने की भी बात करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रमों के लिए संसाधन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। इसके अलावा प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल ने भी छात्रों को संबोधित करते हुए सामाजिक सेवा के प्रति निष्ठावान बने रहने की अपील की। साथ ही कहा कि प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को कॉलेज परिसर एवं आसपास के मोहल्ले में सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिससे लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।